बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनडीए में एलजेपी के बिना ही 2/3 बहुमत हासिल किया था, फिर भी यही चाहते हैं कि एलजेपी साथ चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का अधिकार हम नहीं छीन सकते, अपनी सीट दूसरे को देते रहेंगे तो पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे, किसी का बेटा होने से वो कद हासिल नहीं किया जा सकता। तो एक बड़ा बयान दिया गया है। हालांकि इस बयान के बाद सियासत भी खूब गर्मा गई है। अब इसे लेकर महागठबंधन की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, लेकिन क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? चुनाव आने वाला है, इससे पहले चिराग पासवान के बयान को लेकर अब जिस तरह से पलटवार आया है तो सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव के वक्त अगर चिराग पासवान अपनी बात पर रहे तो क्या अलग चुनाव लड़ा जाएगा? कई सवाल उठते हैं, लेकिन ये भी एक कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि क्या हम अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते? सरकार पे सवाल उठाना या सरकार को कटघरे में खड़ा करना या सरकार पे टिका टिप्पणी करना उचित नहीं लगता है। एक समय था, मैंने भी क्या साल भर पहले मैंने उठाया था इस इशू को कि साहब ये करना चाहिए, नीतीश जी के बारे में मैंने कहा था तो मुझे लोगों ने कुछ कहा था, इसीलिए हमने कल भी कहा कि ऐसा बयान उनको बोलना ठीक नहीं है। माइनस एलजेपी क्या स्वरूप देखते हैं सर, कितना जीत पाएंगे? देखिए एलजेपी की क्षमता क्या आप भी जानते हैं, और बिना एलजेपी के भी हम सब लोग सरकार बना चुके हैं और 2/3 मेजोरिटी था हम लोग का। मतलब ये कि एलजेपी की अपनी एक क्षमता है, एक सामाजिक समूह को वह एड्रेस करता है, और पिछले 50 वर्षों से रामविलास जी के प्रति पूरा सम्मान हम लोग का है और रामविलास जी का अपना एक रहा है, रामविलास जी की अपनी एक शख्सियत रही है, वो चाहे सोशलिस्टिक पार्टी में रहे हों, जनता दल में रहे हों, जनता पार्टी में रहे हों या अपनी पार्टी लोजपा उनकी है, उनका एक अपना शख्सियत है। अब बाकी उनके बाद के लोग भी रामविलास जी का कद की तरह बातचीत करेंगे तो वह थोड़े ही कोई कबूल करेगा। रामविलास जी का अपना एक कद है और आज बिहार में सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं वह, इसलिए हमको लगता है कि रामविलास जी के पार्टी में उनके कद के आसपास में अब बेटा होने के कारण किसी कुछ मिल जा रहा है, भतीजा होने के कारण कुछ मिल जा रहा है, तो रामविलास जी जो कुछ बोलते हैं उनका एक महत्व है, बाकी सब है। अब उनकी पार्टी में कौन क्या बोल रहे हैं मुझे लगता है उससे बहुत मायने करना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब एलजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। हमारे संवाददाता अभिषेक चंद्रा ने खास बातचीत की और सवाल ये उठता है कि क्या अब इसे लेकर आगे भी बयानबाजी होते रहेंगे। कहा है कि चुनाव फिलहाल टाल देना चाहिए कोरोना संक्रमण की वजह से, लेकिन उसके बाद बीजेपी नेताओं की कड़ी तल्ख टिप्पणी आ रही है। बीजेपी के एमएलसी हैं संजय पासवान, उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। हमारे साथ एलजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राजू तिवारी जी, उनसे बात कर लेते हैं। राजू जी, संजय पासवान जी हैं बीजेपी के एमएलसी, उनका स्टेटमेंट है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव की भाषा बोल रहे हैं, चुनाव का वक्त है, एनडीए के खिलाफ, गठबंधन के खिलाफ, ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं गठबंधन को कमजोर करता है। देखिए संजय पासवान जी के बारे में हम क्या कमेंट करें, 6 महीने पहले आप अपने ही टीवी पर देखे होंगे क्या उनका बयान था। बड़े नेता हैं इसलिए उनके बात को हम विशेष रूप से न हाँ में है न जवाब हम देना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं, वो कब क्या बोलते हैं, कल क्या बोलेंगे, ये भी उनका कोई निश्चित नहीं है, इसलिए जो बोले हैं वही जाने, उन्हीं से उनका कर। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है ना कि अचानक क्या, मतलब क्या हो गया कि तेजस्वी यादव की भाषा बोलने लगे चिराग पासवान? कहाँ किसकी भाषा बोलने की बात कर रहे हैं, क्या अचानक कोरोना में वृद्धि हुई? मेरे नेता का ट्वीट पढ़िए आप, उन्होंने निर्वाचन आयोग से यही कहा है, आज लोक जनशक्ति पार्टी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से आप देखिए पुनः सारे जिलों में बिहार के लॉकडाउन पुनः लगाना पड़ा, क्यों लगाना पड़ा? जनता को मौत के मुंह में डाल करके चुनाव कराना किसी पार्टी का, बिहार का कोई नेता नहीं चाहता है, चाहे किसी भी दल की मैं बात कर रहा हूं। तो आदरणीय चिराग पासवान जी ने यही ट्वीट किया है कि अगर कोरोना की वृद्धि यही लगातार जारी रही तो क्या आप चाहेंगे चुनाव हो? बिहार का कोई नागरिक चाहेगा चुनाव हो? कोई नेता चाहेगा चुनाव? तो चिराग पासवान जी ने यही बोला कि अगर वृद्धि यही रही, हाँ हमारा अभी चुनाव लंबा टाइम है, 2-3 महीना है, रुक जाता है बीमारी तो एकदम चुनाव टाइम से होना चाहिए, लोकतंत्र का एक पर्व है, टाइम से होना चाहिए, लेकिन अगर कोरोना में वृद्धि होती है ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं जानता हूँ शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो चुनाव चाहता है। लेकिन सुशील मोदी जी तो चाह रहे हैं, उनका कहना है कि एग्जाम के समय वही स्टूडेंट भागता है जो कमजोर होता है। अब उनका बयान तो हम नहीं ऐसा सुने हैं,
मैं एक लाइन में बोल दिया हूँ कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जो बिहार के पूरे लोगों को मौत के गाल में भेज करके चुनाव की बात करेगा। अगर कोरोना की महामारी ब्रेक हम लोग लगा लेते हैं तो चुनाव निश्चित समय पर टाइम पे हो, ये मेरा नेता भी चाहते हैं। बाय द वे, अगर मान लीजिए जिस हिसाब से आज वीआईपी जगह पे कोरोना की संख्या भारी वृद्धि हुई है, आप लोग दिन भर घूम रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कितना प्रिकॉशन में हर व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में अगर रूरल एरिया में उभरा अगर कोरोना पेशेंट, तो हमको नहीं लगता है कि सुशील मोदी जी हों, नीतीश जी हों, कोई भी नेता नहीं चाहेगा चुनाव। हाँ, लेकिन अगर कंट्रोल है तो चुनाव टाइम पे होना चाहिए। एक सवाल ये भी है, साथ में उठ रहा है कि एलजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बहुत सारे कयास चल रहे हैं कि शायद सीटों की खींचतान है इसलिए इस तरह के नंबर आई। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है पार्टी? और संजय पासवान का कहना है कि बीजेपी क्यों बार बार कुर्बानी देगी, बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? नहीं, आप पूछें कि एलजेपी कितने सीट पर तैयारी, 243 सीट पर तैयारी कर रही है, एकदम 94 विधानसभा का बूथ कमेटी हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप चुके हैं, बाकी 149 विधानसभा की बूथ कमेटी जल्द ही हम लोग, हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे सारे प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वहाँ के प्रभारी लगे हुए हैं। हम लोग 243 का बूथ कमेटी बना करके तैयारी सब जगह होती है, कोई ऐसा पार्टी नहीं है। कौन ऐसा पार्टी है जो बोलेगी कि हमको 50 सीट मिला है गठबंधन, वहीं हम तैयारी करेंगे, बाकी जगह छोड़ देंगे? ये कहाँ की पार्टी का नियम कानून है, कैसा काम? हमारी तैयारी 243 की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे गठबंधन, और जहाँ जाएंगे उसी की सरकार बनेगी, ये भी सत्य है। मतलब जहाँ जाएंगे वहीं सरकार बनेगी। और एक चीज छोटा सा सवाल आपको बताइएगा कि चुनाव कितने सीट पर लड़ेंगे? 243 पर तो आप तैयारी कर रहे हैं, चुनाव कितने सीट पर लड़ेंगे? 243 पर लड़ेंगे। हमारे गठबंधन का कोई साथी लड़ेगा तो हम नहीं लड़ेंगे, लोजपा भी लड़ेगी। यह एक गठबंधन का बहुत खूबसूरत उदाहरण है। हमारे गठबंधन का अगर कोई प्रत्याशी किसी भी सीट पर लड़ता है तो वहाँ भी हमारे वर्कर की परम जिम्मेदारी है कि अपना सीट समझ के लड़ें और उसको जीत में कन्वर्ट करें। जेडी का ये कहना है कि एनडीए में जेडीयू बीजेपी एलजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, एलजेपी को हैसियत दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए, इस पर हम क्या कमेंट करें, इस पर कोई हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं। किसी के दूसरे के घर में झांकने का किसी की जरूरत नहीं होती है। हम यही सारे लोगों से आग्रह करेंगे कि अपना अपना घर देखना चाहिए, अपने अपने के बारे में बोलना चाहिए, दूसरे के घर में बेवजह झांकने की आदत कहीं से अच्छी नहीं है। तो राजू तिवारी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संजय पासवान की बातों पर वो जवाब नहीं देंगे। हालांकि ये भी उनका कहना है कि संजय पासवान आज कुछ और कल कुछ और बयान देते हैं, लेकिन राजू तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि एलजेपी